नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुधीर डंडोतिया। और आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ को लेकर। जी हां, पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कई सीनियर नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि पूरी कांग्रेस खाली होने वाली है। खाटी कांग्रेसी जो गांधी परिवार के करीबी कहे जाते थे, इसके अलावा चुनौना कहना चाहिए कि जिनके खून में कांग्रेस हुआ करती थी, जो बताते थे कि कांग्रेस पार्टी उनकी माँ है, ऐसे कई नेता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या ये दबाव है या किसी तरीके का प्रेशर है? पर कई नेता ऐसे भी जिनका राजनीतिक भविष्य शायद है भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को छोड़कर आ रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम था मध्यप्रदेश कांग्रेस के अंदर, जिन्होंने दो दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। गांधी परिवार के काफ़ी करीबी थे, 24 साल लगातार राज्यसभा के सांसद रहे, सालों तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस की एक पहचान, कम से कम एक कहना होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक आधार स्तंभ थे। आज भी कांग्रेस के दो सीनियर नेता अरुणोदय चौबे, जो सागर के अंदर बुंदेलखंड के अंदर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और शिवदयाल बागरी, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। अरुणोदय चौबे वो नेता है जो कांग्रेस के लिए, जिन्होंने जेल तक गए, परिवार ने मुकदमे झेले, उसके बाद जब स्थितियाँ, मेरे को लगता है कि कांग्रेस के लिए शायद ठीक नहीं है, अरुणोदय चौबे के लिए तो ठीक थी, पर लेकिन बीजेपी में शामिल होना, क्या इसके पीछे पूरा कारण और कौन से ऐसे नेताओं की लंबी फेरिस्त है? मेरे साथ मेरे सहयोगी सब्बीर मौजूद है। सब्बीर, खाटी कांग्रेसी जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कांग्रेस के बिना इनका वजूद होगा, या कहा जाता था कि कांग्रेस के साथ ही उनके नाम जुड़े थे, सुरेश पचौरी हों, अरुणोदय चौबे हों, कांग्रेस से मोहभंग होना, क्या लग रहा है? देखिए सुधीर सर, इसको लेकर दो तीन चीजें हैं। एक तो पीढ़ी परिवर्तन जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इस डिबेट की शुरुआत एक उदाहरण के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि खाटी कांग्रेसी से बातचीत हो रही थी, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कई चुनाव जीते भी हैं। जब बातचीत हो रही थी तो उनकी तरफ से यह कहा गया, क्या मैं जीतू पटवारी के अंडर में काम करूंगा? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या मैं ऐसे नेता के सामने काम करूंगा कि वो चुनाव हार गया? ये तमाम चीजें कांग्रेस के अंदर इस वक्त बड़े नेताओं के बीच में चल रही, चाहे सुरेश पचौरी हो या फिर दूसरे नेता हो, चाहे वो ग्वालियर चंबल से इलाके से आते हो या अलग माना अलग माना अलग। किसी नेता के अंडर में काम नहीं करना, युवा नेता के अंडर में, पर लेकिन जब राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, राजीव गांधी के साथ काम करने वाले, सोनिया गांधी के साथ काम करने वाले, इंदिरा गांधी के साथ काम करने वाले नेताओं ने राहुल गांधी के अंडर में काम किया। हमने देखा था कि तमाम बड़े नेता, मोतीलाल वोरा हो या फिर दूसरे तमाम नेता, सोनिया गांधी के अंडर में काम किया, अर्जुन सिंह जैसे बड़े नेता थे। पूरे देश का उदाहरण देखे जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस की पहचान थी। जब जाहिर सी बात है कि आपका कप्तान को बनाया जा रहा है, कि पीढ़ी परिवर्तन पहले भी हुआ लेकिन उसके बावजूद भी ये सीनियर नेता कांग्रेस से जुड़े, सचिन तेंदुलकर ने महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेला ना कैप्टनसी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी में खेले ना, विराट कोहली की परिस्थितियां कांग्रेस, विराट कोहली खेल रहे ना रोहित शर्मा की, वो परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर अलग थी। आप 93 की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस का बुरा दौर की शुरुआत हुई, लेकिन वो राज्यों में सत्ता में थी। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में वो सत्ता में थी, 10 साल तक के सत्ता में रही और जैसे ही मध्य प्रदेश से सत्ता जाती उनको केंद्र में सत्ता मिल जाती है। हम पिछले 20-25 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, यानी एक तरीके से सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूं कि सत्ता जो नेता, जो नेता छोड़कर जा रहे हैं, वो सत्ता के साथ, सत्ता के साथ, सत्ता कुल मिलाकर ये बहानेबाजी नहीं है कि कांग्रेस ने जब तक दिया उनको तब तक कांग्रेस के थे। बिल्कुल, अब पता है कि कांग्रेस के अंदर कोई भविष्य नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप कांग्रेस छोड़कर चले जाओ। बिल्कुल सही सवाल यह है कि आप जो तर्क दे रहे हैं, बार बार यह तर्क दिया जाता है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को कांग्रेस की तरफ से ठुकराया गया और तो, इस तरीके से गलती की, गलती तो करी कांग्रेस ने, ये जमीन को वो भाप नहीं पाए, बिल्कुल नहीं ठुकराना था जमीन को, सियासी माहौल को कांग्रेस के बड़े नेता भाप नहीं पाए। ये बंद कमरे में जो कांग्रेस के जमीनी नेता है ना, वो ये कहते हैं कि गलती कर दी राहुल गांधी के जो करीबी नेता हैं, 4-5 नेता जिनको ये कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने गलती करी है और ये कांग्रेस को इसका खामियाजा चुनाव में भी बहाना दे दिया, बहाना दे दिया बड़े नेताओं को जाने का, पूरे हाँ। देश के अंदर राम मंदिर के नाम पर नेता राम मंदिर के को लेकर मेरे को एक चीज और कहना है कि भगवा आतंकवाद का जिक्र भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है बीजेपी। चीजें तो कई बार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सबको ये लग रहा है, बड़े नेताओं को जब उनसे बातचीत होती है सुधीर सर, तो उनका ये कहना है कि सत्ता में हम आ नहीं रहे, ये लगभग साफ है। मध्य प्रदेश में उनको उम्मीद थी, मध्य प्रदेश में आ नहीं रहे, देश में उम्मीद थी, देश में आ नहीं रहे, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी वहां हार गए। तो कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि अभी 8-10 साल कुछ कोई भविष्य नहीं, उसके बाद का भी कोई भविष्य नहीं, यानी उनका कहना है कि जब तक के मोदी जी सक्रिय राजनीति में है जब तक उनका कुछ नहीं लग नहीं रहा, क्योंकि उनका कहना है कि हम एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे
और उसके लिए वो राहुल गांधी को भी दोषी मानते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो पूरा संगठन और जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं, तो एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कि आने वाला भविष्य कांग्रेस का साथ नहीं है, इसके कारण वो एक के बाद एक जा रहे हैं और बहाने वो कुछ भी बनाए। एक राम मंदिर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा ईडी का जिक्र पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करते हुए नजर आते हैं, दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आते हैं, ये सब चीजें एक तरीके से अपने आप को बचाव के लिए कह सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अरुण दया चौबे का कौन से धंधे, शिव दयाल बागरी के कौन से धंधे? हम मान सकते हैं कि इंदौर के जो पूर्व विधायक दो गए हैं, विशाल पटेल की बात करें या संजय शुक्ला की बात नोटिस, हाँ इनकी मान सकते हैं क्योंकि इनको प्रेशर में डाला गया या फिर जो भी आरोप कांग्रेस लगाती पर क्या के लिए। सूरज पचौरी का तो ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ी चीजें चल रही थी कि जो नेता कभी चुनाव नहीं जीता, 24 साल राज्यसभा में रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, पीसीसी चीफ रहा, 2008 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जीत जाते तो मुख्यमंत्री बन जाते, मध्य प्रदेश के कोटा सिस्टम था उनके लिए। ये कहा जाता है कि जब टिकट का बंटवारा होता था कांग्रेस के अंदर तो कोटा बंटता था, 20 टिकट थे होशंगाबाद भोपाल संभाग के, पचौरी जी के बिना टिकट नहीं बंटते थे। अभी भी इस बार भी संगठन 2023 के चुनाव में भी पचौरी जी ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाया और जिनको टिकट नहीं मिला वहां पर उन प्रत्याशियों को हराया भी। ये तो कांग्रेस का एक तरीके से डीएनए में है सुधीर सर। और सबसे कई कांग्रेसी नेताओं का जो नर्मदापुरम और आसपास के नेताओं, खासकर सीओर और इसकी बात करें नरसिंहपुर, उनके कई नेताओं ने यह भी बोला कि हम आजाद हो गए। आजादी का जिक्र जब भी किया गया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी दौरान आज से 4 साल पहले छोड़ के गए थे और यही दौर था, हम लोग सब कवर कर रहे थे उसको। मतलब उन नेताओं की कांग्रेस से ज्यादा निष्ठा अपने नेताओं के साथ में थी, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सुरेश पचौरी हो, समर्थक जाहिर सी बात है कि टिकट दिला रहे हैं, कैरियर उन्होंने बनाया तो। लेकिन एक चीज और है, संजय शुक्ला और विशाल पटेल जरूर गए, लेकिन हमने संजय शुक्ला तो मूलतः देखो बीजेपी का, बीजेपी के बिल्कुल बीजेपी के, बीजेपी से नहीं मिल रहा था राजनीतिक व्यवस्था, मेरा गृह क्षेत्र है वो, और बिल्कुल उनके परिवार में उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी नेता कांग्रेस में नहीं था, किसी का कोई वास्ता नहीं कांग्रेस से। ये भगदड़ सबीर थमने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं थमने वाली सुधीर सर। और उसके बड़े नाम कौन कौन से बड़े नाम मैं बता देता हूँ, और भी कई पूर्व विधायक है। कल एक पूर्व विधायक का मेरे पास फोन आया और उनकी तरफ से ये कहा गया, भैया मेरा नाम चल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पास पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी का एक भी बार फोन नहीं आया। तो ऐसे कमी है, ये एक सबसे बड़ी कमी है। और अगर कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं पता कि उनका कौन सा नेता जा रहा है तो ये कांग्रेस नेतृत्व विधायक खुद चिंता कर रहा है, अपने नेताओं से चर्चा नहीं कर रहा, विधायक खुद चिंता कर रहा है। उसका कहना है कि एक पेपर में मेरा नाम छप गया और मैं जा नहीं रहा हूं, ऐसा उसका कहना था, मैं जा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं खुद सोच रहा हूं कि अगर मेरा नाम कहीं छप रहा है, मार्केट में चल रहा है या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मैं किसी वक्त भी बीजेपी ज्वाइन कर सकता हूं, और मुझे ही फोन नहीं आ रहा, मुझे फोन लगा के पूछना तो चाहिए। जीतू पटवारी की जो टीम है ना, केवल जीतू पटवारी वहीं तक सीमित है, समस्या ये उनके साथ में, और दूसरे नेताओं के साथ उनका तालमेल नहीं है, ये एक बड़ी कमी है जीतू पटवारी के साथ में। वो जो बात आपने कही कि जीतू के अंडर में काम करेंगे, वो जीतू के अंडर में काम करने को लेकर था, मुझे लगता है कि जीतू से पहले अरुण यादव बने, वो भी हम उम्र ही है जीतू के लगभग, बिल्कुल 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 सही बोला, उनके अंडर में जब काम करने तैयार है तो जीतू में क्या बुराई है, बिल्कुल सही बोला। लेकिन जीतू के व्यक्तिगत मेरे को लग रहा है कि शायद नेता नहीं चाहते उनके इमेज को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर, हाँ उनकी कार्यशैली को लेकर, क्योंकि उनका हमेशा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि उनका एटीट्यूड उनको पसंद नहीं आता। उमंग सिंगार के बारे में ये कहूंगा कि नेतृत्व जो परिवर्तन हुआ, कि उमंग सिंगार को लेकर ये कहना है सबका कि हाँ ठीक है जैसा भी है, बढ़िया नेता है, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक जीतू पटवारी के नेचर को लेकर सब थोड़ी सी नाराजगी है उनको लेकर। अब वो क्या नाराजगी, ये पार्टी के नेता ही बता सकते हैं। मनाने की जिम्मेदारी है, वो शांत होकर बैठे हैं, कारण ये भी हो सकता था कि मनाते तो कुछ नेता मान भी जाते, बिल्कुल मान जाते। मैं आपको कमलनाथ वाला इंसिडेंट हुआ था और जब उमंग सिंगार ने 10 विधायक रोके थे, बिल्कुल यही मैं बताने वाले थे, फोन पर बात करके कैरियर की बता करके आपका कैरियर सुरक्षित है, चिंता मत कीजिए, यही चीज है, आपको बताना पड़ेगा। उस वक्त कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई, करीब 55 नेताओं की वो लिस्ट थी, हम लोगों ने सबसे पहले उसको चलाया था, ये जाने वाले 55 नहीं, वो लिस्ट ये थी सुधीर सर कि ये 55 नेता हैं जो सिंधिया के साथ गए थे। कांग्रेस ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश, उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है बताने की कोशिश करी गई थी, ये कांग्रेस की तरफ से एक माइंड गेम खेला गया था। और उसके बाद कई विधायकों से बातचीत हुई थी तो उनका कहना यह था कि कमलनाथ का आने वाला भविष्य है नहीं, हमें लग नहीं रहा क्योंकि उनकी उम्र हो गई, नकुलनाथ इतने उनको लगता है कि वो हमें टिकट दिलवा पाएंगे, क्योंकि सिंधिया जी उनके सामने एक उदाहरण थे कि सिंधिया जी इस बार ज्यादा लोगों को टिकट नहीं दिलवा पाए, तो हमारा राजनीतिक भविष्य बीजेपी में होगा, इसको लेकर उनका संशय था, जो विधायक मौजूदा विधायक है। लेकिन एक चीज और थी उस वक्त भी, जो कई विधायकों से मेरी बातचीत हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया
कि भैया अभी भी नेतृत्व से फोन नहीं आया, हमें बुलाएं तो सही, हमसे बातचीत तो करें। हम तो सोच रहे कि हमें बातचीत करें, हम नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं कि पार्टी छोड़ के नहीं जाना। अब जो नाम चल रहे हैं दीपक जोशी का, आना तय था किसी कारण से नहीं आ पाए। वो उन्होंने फोन पर मतलब कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि हाँ बातचीत हुई, 99% आ रहे हैं वो, लेकिन वो कारण बीजेपी का अंदरूनी विरोध हुआ है। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा विधायक नाम की चर्चा, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे। देखिए संजू शर्मा के बारे में मैं बता दूं, वो बीजेपी के ने उनको प्रयास भी करा, संपर्क भी करा, लेकिन उनको लग रहा है अभी अब वो आ सकते हैं नेता, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में रहे पिछले, हाँ वो भी एक कारण, पहले कांग्रेस में रहे फिर बीजेपी में आए फिर कांग्रेस में चले गए और अब फिर अटकेले लगाई जा रही है। उनका धंधे भी आप भी जानते हैं, वो भी बड़े बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं मध्य प्रदेश, उद्योगपति धन कुबेर जिनको कहा जाए, जैसे संजय शुक्ला है, तीन चार ही विधायक थे कांग्रेस के पास जो धन कुबेर हैं, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, संजू शर्मा, पज्जन चतुर्वेदी, नीले डागा। पज्जन चतुर्वेदी के नाम की अब चर्चा तो सबकी चल रही, क्योंकि नीरज दीक्षित, पज्जन चतुर्वेदी, ये सब वो, लेकिन एक चीज और है, अभी जिनके नाम चल रहे हैं वो ज्यादातर पूर्व विधायक हैं, जिनको जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, एक उनके चल रहे, लेकिन कांग्रेस को ये चिंता करने की जरूरत है सुधीर सर के पूर्व विधायकों के साथ साथ धंधे और जिनके ये चल रहे वो तो ठीक है, लेकिन उनके मूल जो लंबे समय से उनसे जुड़े हुए रहे हैं वो भी उनसे नाराज हैं, और नाराज अभी अंदर खाने चल रही, ये ज्वाला और भड़केगी तो और दल बदल हो सकता है, एक चीज ये, और कई और पूर्व विधायक लाइन में खड़े हुए हैं वो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार की बात करें जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे 96 विधायक थे जब कांग्रेस 2023 में चुनाव लड़ने गई थी, उसमें से चुनाव कितने जीत कराए, 15 से 20, यानी करीब 65 से 70 पूर्व विधायक चुनाव हारे हैं, उनमें से कम से कम 8-10 जा चुके हैं बीजेपी में, अभी देखते जाइए और एक के बाद एक जाते जाइए। बिल्कुल ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, सबीर से हम चर्चा कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि दो तरफा संवाद अगर हो तो शायद कुछ बात बनती भी कांग्रेस की ओर से, नेता जाने वाले हैं, मीडिया में खबरें चल रही हैं, अखबार में नाम छप रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं कमी है, और जो सिलसिला लगातार जारी है लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाने का, बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें सफल हो रही है, मनोवैज्ञानिक तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले कहना होगा कि कांग्रेस में भगदड़ मचाकर बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त लोकसभा चुनाव से पहले हासिल कर ली है। नमस्कार।